हेलो गाइज, आज के न्यू फ्रेश ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जा रहे हैं बिंदु बसायर, और बिंदु बसायर ठाकुर गांव से आगे स्थित है। तो आप लोग सुने होंगे बिंदु बसायर के बारे में, और कहीं ना कहीं आप लोग कहानी भी सुने होंगे कि एक परिवार में कुछ घटना घटा था। तो उस जगह को हम लोग आज देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले वहाँ जाएँ और उस जगह को दिखाएँ, सबसे पहले आप लोग को एक किंवदंती यानी कही सुनी जो कहानी है, और इसके लिखित कहानी भी कह किताब पब्लिश हो चुका है, इतना सुने हैं लेकिन अभी तक मुझे मालूम नहीं है। लेकिन कहा सुनी जो हम लोग बचपन में सुनते आए हैं, उस कहानी को मैं आप लोगों को छोटी सी कहानी शॉर्ट में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक परिवार की कहानी है। उस परिवार में 7 भाई और 1 बहन रहते थे, और 6 भाई का शादी हो चुका था, और एक जो छोटा भाई था जो एक आँख से काना था, एक आँख उनका ख़राब था, एक आँख से देखता था। तो एक भाई जो शादीशुदा नहीं था, कुंवारा था, और उसकी बहन, छोटी बहन जो कुंवारी थी, एक ही बहन थी, वो कुंवारी थी। तो कहानी ऐसा आगे चल के होता है कि एक दिन जब उसकी बहन खाना बनाने लगती है, सभी भाइयों के लिए खाना बनाती थी, संयुक्त परिवार में रहते थे, सभी लोग एक साथ रहते थे। तो जब बहन खाना बनाती थी, तो एक रोज़ ऐसा हुआ कि सब्जी काटते काटते, साग काटते काटते अपने हाथ को बैठी से कट गया। तो जब खून निकलने लगा तो सोची कि अगर दीवार में पोछते हैं तो भैया लोग देखेंगे, और साड़ी में पोछते हैं तो फिर भाभी लोग देखेंगे, और अपनी लाज बचाने के लिए जो साग काट रही थी सब्जी उसी में पोछ देती है और फिर खाना बना देती है। तो खाना बनाने के बाद भाइयों को कुछ अलग स्वाद लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो सभी लोग जानना चाहते हैं कि आज क्या डाल के बनाई बहन जो इतना अच्छा लगा। तो बहुत ही अच्छी कहानी है। तो वे लोग पूछने लगते हैं, तो फिर लास्ट में बताती है, बहुत पूछने के बाद बताती है कि मेरा हाथ कट गया था तो खून निकलने लगा, तो मैं साग में ही अपने खून को पोंछ दी और इसी में खाना बना दी, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। इस तरह से कुछ होता है। तो सभी भाई लोग सोचते हैं कि जब इसका खून इतना स्वाद लगा, अगर इसको अगर काट के खाएँगे, अगर मेरी बहन की मांस खाएँगे तो कितना अच्छा लगेगा। इस तरह का हैवानियत सोच उनकी भाइयों में इस तरह का जगता है। तो एक रोज़ वे लोग शिकार करने के बहाने जंगल चले जाते हैं। शिकार करने में तो जब जंगल जाते हैं तो शिकार करते समय पहले 2-4 दिन जंगल में ही बिताना पड़ता था। तो ऐसे में रात गुजारने के लिए एक जगह वे लोग झोपड़ा बनाते हैं और उसी में रहने के लिए, और वहाँ पर रहते हैं। तो अपनी बहन को भी शिकार करते समय वैसे झोपड़ा बना हुआ रहता है, उसमें ऊपर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि ऊपर से देखो कितनी दूर तक दिखाई दे रही है, कहाँ पर कौन सी जानवर है, ऐसे झूठ बोल के उसको ऊपर चढ़ाते हैं। और बाकी जो भाई लोग रहते हैं वे लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि हम अपनी बहन को मारें। जो छोटा भाई रहता है बहुत अच्छा रहता है, अपने बहन के सपोर्ट में रहता है। जब इस तरह से डिसीजन लिया गया कि बहन का मांस खाएंगे, तो छोटा भाई नहीं माना। तो इसीलिए इसको ज़बरदस्ती उसी के हाथ से मरवाने के लिए वे लोग सोचते हैं, इसके भाई लोग। और एक आँख से काना रहता है, उसका निशाना भी सही नहीं रहता है, तो उसी को तीर चलाने के लिए बोला कहा जाता है। और जब उसका छोटा भाई तीर चलाता है, सोचता है कि लगेगा नहीं, दूसरी तरफ चलाता है, लेकिन गलती से सही जगह निशाना लग जाता है, अपनी बहन को तीर मार देता है, उसके बाद उसकी बहन मर जाती है। जब अपनी बहन का मांस सभी लोग मिल के बना लेते हैं, उनकी भाभी लोग थी और भैया लोग, सभी लोग मिल के जब बना लेते हैं तो पकाने की पारी होती है, पकाने के लिए लकड़ी चाहिए। तो जो काना भाई रहता है, छोटा भाई, तो उनको साधने के लिए, क्योंकि वो इस पक्ष में नहीं था, तो उसको साधने के लिए लकड़ी लाने के लिए भेजते हैं, वो भी छोटा सा रस्सी देते हैं। तो बेचारा जाता है जंगल, जंगल में ही रहते हैं, लकड़ी खूब सारा लकड़ी खोजता है खाना पकाने भर, तो रस्सी नहीं होने के चलते रोने लगता है। तो पहले सत्युग था, कहा जाता है कि हर जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी बोला करते थे उस समय। तो एक सांप निकलता है और कहता है कि भाई, क्योंकि यहाँ झारखंड रहते हैं, नागपुरी चलता है, हम नागपुरी सुने हैं, तो बताना चाहेंगे भाई, काल कांदा थी से अपन दुख हमके बताओ। तो बताते हैं कि देखना है रस्सी हमको छोटकाल दिले हथुन, कैसे हम लकड़ी बांध के ले गयो। तो उसके बाद में जो सांप होता है बोलता है कि हम लकड़ी हम बांध दे रहे हैं, हमको आराम से ले जाओ, लकड़ी ले जाना, उसके बाद आराम से रख देना, फिर हम वहाँ से चले आएंगे। तो फिर वैसा ही करता है, सांप रस्सी बन जाता है, और फिर रस्सी सांप से ही लकड़ी को बांध कर वो ले जाता है, जहाँ वे लोग ठहरे हुए थे वहाँ पर ले जाता है। उसके बाद में फिर पानी लाने की पारी होती है, तो घड़ा दिया जाता है, घड़ा में भी कहा जाता है कि 7 को टोका रहता है, 7 छेद रहता है। तो पानी लाने के लिए जाता है, बगल में डांडी है,
तो वहाँ पर जाता है पानी लाने के लिए, तो फिर वहाँ बैठ के रोने लगता है। तो जो कुएं में मेंढक थे, बहुत सारे मेंढक भी रहते हैं छोटे छोटे, तो वे लोग बोलते हैं कि भाई काल कांदा थे। तो उन लोग भी बताता है कि देखना पानी लाने भेजे थे और साथ को इतना इतना टोका है, तो कैसे ले जाएंगे पानी, और पानी नहीं ले जाएंगे तो फिर वे लोग हमको गरियाएंगे मारेंगे। तो जितने मेंढक थे सभी बोलते हैं कि जहाँ जहाँ छेदा है हम लोग वहाँ चिपक जाते हैं, पानी ले जा और उसके बाद में आराम से रख देवे, हम इन फिर चल आवो। तो इस तरह से कुछ कहानी सुने हैं। तो भाई वैसा ही करता है, जो एक अक्स का नार था पानी वहाँ से निकालता है डांडी से, उसके बाद में ले जाता है सभी मेंढक, कुछ जहाँ जहाँ छेदा रहता है वहाँ चिपक जाते हैं, तो वहाँ पर ले जाता है, उसके बाद में रख देता है। फिर खाना बनाया जाता है, सभी भाई लोग खाते हैं, उनकी भाभी लोग भी खाती है, सभी लोग मिल के खाते हैं, लेकिन जो एक अक्स का नार रहता है तो वे नहीं खाना चाहता है। और इसीलिए जब पानी लेने आया था वही समय मछली और कुछ केकड़ा पकड़ लेता है और फिर अलग से खाना भी बना लेता है। और जब सभी लोग खाने लगते हैं एक साथ बैठ के, तो जब वे लोग मांस खाते हैं तो ये मछली खाता है, उनका छोटा भाई जो एक आँख से काना था। और जब वे लोग हड्डी चबाते हैं तो एक केकड़ा खाता है, तो उसे जो आवाज़ निकलती है तो लगता है कि ये भी खा रहा है। तो इस तरह से उस रात बीतती है, और बीतने के बाद जब सभी लोग सोने जाते हैं तो इसका जो हिस्सा था, जो मांस था उनकी बहन का, तो उसे उठा कर वे एक तिल्हा में डाल देता है, जिसमें आप लोग तिल्हा जान रहे होंगे, जो दीमक का जो रहता है उसे हम लोग तिल्हा बोलते हैं, तो तिल्हा में डाल देता है। तो उस तिल्हा से पहले सतयुग था, इसीलिए देखिए उस तिल्हा से बांस जन्मता है, बांस निकलता है, और उसी बांस के नाम से आज हम लोग जहाँ जा रहे हैं उसे बिंदु बसार कहा जाता है। तो इसके आगे भी एक कहानी है। तो एक जोगी आता है घूमते घूमते, और वहीं पर जहाँ पर बांस निकला हुआ था वहीं पर लेटरिन करने लगता है, तो बांस से आवाज़ आता है कि ना, जैसे नागपुरी में है ना, हा घाघरे जोगी इस लागो भाई क्रोपल बांस, इस तरह से वहाँ पर आवाज़ आता है। तो देखता है चारों तरफ घूम के, तो कोई आदमी नहीं, पता चलता है कि बांस से आवाज़ आ रहा है। तो वो जोगी अपनी कमाई के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए बांस काटता है और उसी से केंद्रा बनाता है। केंद्रा आप लोग सुने होंगे, धनुष टाइप से रहता है और उसे बजाते हैं, तो वैसा बजाने वाला एक यंत्र बना लेता है। तो उसी से बजाते बजाते एक दिन घूमते फिरते जो उनके भाई लोग थे इन्हीं लोगों के घर पहुंच जाता है। तो जो एक आँख से काना था, उसके बाद में सभी लोग अलग अलग रहने लगते हैं उस समय तक, तो एक आँख से काना था उसका घर जाता है। तो वहाँ पर जब बजाने लगता है केंद्रा को बजोगी, तो वहाँ पर आवाज़ आता है कि बाज बाज रे केंद्रा इत लागो भाई क्रोपल बांस, इस तरह से आवाज़ आता है। तो मतलब बहुत ही अच्छा आवाज़ आता है और बढ़िया बढ़िया म्यूजिक निकलता है, धुन निकलता है। तो उसका भाई बहुत खुश होता है, बाकी उसके भाई लोग भी देखते हैं, क्योंकि घर शायद एक ही जगह था, उसके भाई लोग भी देखते हैं कि इस तरह से गाना गा रहा है, इस तरह से गाना बजा रहा है। फिर वहाँ से मांगता है और मांगने के बाद दूसरे भाइयों के घर जाता है। तो वहाँ पर जब बजाने लगता है जोगी, तो उससे आवाज़ निकलती है कि ना बाज बाज रे केंद्रा इत लागो दुश्मन कर घर। तो वे लोग गुस्सा जाते हैं कि इस तरह से हम लोग को गाना सुना रहा है, दुश्मन कर घर, हम लोग को दुश्मन बोल रहा है। जोगी को वहाँ से मार पीट के भगा देते हैं। तो भगाते हैं, तो रात होने वाला रहता है उस समय, जो है एक आँख से काना था उसका व्यवहार अच्छा था, इसलिए उसके घर में चला जाता है रात रहने के लिए। तो वो भी सोचता है कि भाई क्रोपल बांस बोलता है, इसका बहुत अच्छा बज रहा है, इसका जो बाजा है केंद्रा, तो इसको हम छिपा लेते हैं और हम बजाएंगे, ऐसा सोचता है उसका छोटा भाई काना भाई। और जब रात में सोता है तो हाड़ी जो यहाँ पीते हैं, तो उसका जो रहता है वेस्ट, उसे मेरा बुलाया था, उसके बिस्तर में इधर उधर फैला देता है। तो जोगी सुबह जब उठता है तो सोचता है कि ये पीने खाने की वजह से ऐसे गंदा हो गया, लेटरिन हो गया। तो वहाँ से फिर वो लाज से अपनी इज्जत बचाते हुए सुबह जल्दी जल्दी उठ कर वहाँ से भाग जाता है। तो उसके बाद उसका भाई अपने वही सामान को रख देता है, और जब भी बाहर कुछ काम करने के लिए जाता और आता है तब तक देखता है कि खाना ही बना हुआ है, घर भी पूरा साफ़ किया हुआ है। तो सोचता है कि अच्छा मेरा घर को कौन रोज़ रोज़ साफ़ करता है, भाभी लोग तो नहीं कर सकती है। तो यही सोचते सोचते काना भाई जो था छोटा भाई, जानना चाहता है कि आखिर ये घर और खाना कौन बनाता है, घर इतना साफ़ कौन करता है हर रोज़। तो उस समय कहा जाता है कि क्योंकि ये किंवदंती है, पहले सतयुग था, शायद हर रूप ले सकते थे आदमी लोग, तो कहा जाता है कि जो छोटा भाई था काना भाई मक्खी का रूप लेकर दीवार में बैठ जाता है देखने के लिए। तो देखता है कि जो केंद्रा था बांस का जो बाजा था, उससे एक मक्खी बन के उसकी बहन निकलती है और आदमी का रूप लेके उसकी बहन पूरा रूप अपने रूप में आ जाती है। उसके बाद में घर साफ सफाई करती है, खाना वाना बनाती है, तो सारा कुछ देखता है। और
जब वो बाहर झाड़ू लगाने के लिए निकलती है तो उसका भाई जल्दी से आदमी का रूप लेता है और जो केंद्रा बाजा रहता है उसे तोड़ देता है। तो उसकी वजह से फिर वो आपस नहीं जाने सकती है और फिर दोनों भाई एक साथ रहने लगते हैं। तो इस तरह से ये कहानी है। तो हालांकि दोस्तों ये वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, कहानी भी सुनाना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए आप लोग को सीधे वहाँ पर लेकर चलते हैं और उस जगह को दिखाते हैं जहाँ पर ये सारी घटना घटी थी। वहाँ पर अभी भी निशान सबूत के रूप में है और ये कोई कहानी नहीं है। हालांकि किंवदंती के रूप में सुना गया है, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये हकीकत वहाँ पर इस तरह से घटनाएँ घटी हैं। तो उस जगह को आप लोग को दिखाने जा रहे हैं, तो चलिए आप लोग को वहाँ पर लेकर चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग पहुँचने वाले हैं और ये है नीलय कॉलेज, नीलय यूनिवर्सिटी। देखिए इसमें नाम लिखा हुआ, आगे बोर्ड दिखाते हैं आप लोग को। और यहाँ पर शायद इंजीनियरिंग की क्लास होती है। यहाँ पर देखिए नीलय एजुकेशन स्टडीज, तो ये है नीलय कॉलेज। और इससे हम लोग थोड़ी दूर आगे जाएंगे और वहाँ पर बिंदु बसायर है, हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। और देखिए यहाँ पर एक स्कूल है, जैसे एकेडमी स्कूल। तो फाइनली गाइज, हम लोग बिंदु बसायर पहुँच चुके हैं और ये है बिंदु बसायर। देखिए यही वो बांस है और जहाँ पर आप लोगों को कहानी सुनाए थे कि जो छोटा भाई होता है अपना हिस्सा का, जो अपनी बहन का जो मांस था वो खाने के बजाय नहीं खाता है और यहाँ पर एक तिल्हा था उसमें डाल देता है, वहीं से ये बांस निकला है। तो ये सत्युगी है। यहाँ पर बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार बोर्ड दिखाइए। यहाँ पर लिखा हुआ है प्राचीन मुंडा धर्म सतयुगी बिंदु बसायर। तो दोस्तों कहा जाता है कि पहले सतयुग में भी झारखंड, क्योंकि आदिवासियों का ये देश है, तो कहा जाता है कि पहले मुंडाओं का ही यहाँ पर पूरा शासन था। और इसीलिए यहाँ पर समझते हैं कि जितना भी घटना हुआ मुंडाओं का, ये जो है मुंडाओं का ही घटना हुआ और इसीलिए यहाँ पर पूजा पाठ भी किया जाता है। और इसको बचाए रखने के लिए, ये क्योंकि ये धरोहर है, इसको बचाए रखने के लिए निशानी के तौर पर देखिए यहाँ पर कुछ निशान भी रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सात भाई के नाम पर सात निशान या पत्थर भी है, 1 2 3 4 5 6 7। और अगर हम लोग सही हैं तो ये छोटा वाला जो है कान्हा भाई, जो सबसे छोटा वाला उधर दिखाई दे रहा है, और उसी को हम लोग मानेंगे क्योंकि ये छोटा भाई था जो नेक दिल वाला था, जो सब कुछ समझता था। और इन्हीं सभी की वजह से ये घटना घटा, यहाँ पर एक कहानी बना। तो आइए दिखाते हैं बहन के लिए कहाँ पर ये रखा गया है निशानी। देखिए दोस्तों, हम लोग इधर आएंगे तो यहाँ पर अभी भी जो वो तिल्हा है वो मौजूद है, अभी भी देखिए तिल्हा है, यहाँ पर पूजा किया था। बहन की निशानी के तौर पर एक पत्थर यहाँ पर है। तो किस दिन पूजा होती है हम लोग को तो मालूम नहीं है अभी, लेकिन देखिए लगता है कि हाल ही फिलहाल में यहाँ पर पूजा पाठ किया गया है। और तो आपको पीछे जो ये पेड़ दिखाई दे रहा है, एक नहीं यहाँ पर चार पेड़ दिखाई दे रहा है, एक ये है और तीन पेड़ उधर है। तो ये चारों केंद्र का ही पेड़ है और कहा जाता है कि इसी में ये सभी भाई बहन लोग मिलकर एक खूटा बनाए थे यहाँ रहने के लिए, झोपड़ी बनाए थे। तो और भी था यहाँ पर लेकिन बाकी मर गया, और फिलहाल अभी चार पेड़ अभी बचा हुआ है निशानी के तौर पर। तो देखिए दोस्तों, यही वो बिंदु बसायर है, इसी को हम लोग आप लोग को दिखाने के लिए लाए हैं। हम लोग भी देखने के लिए आए हैं, पहले आए थे लेकिन इतना करीब नहीं आए थे। और जो तिल्हा जो बोलते हैं, जो दीमक बनाता है, देखिए यही वो तिल्हा है। आगे लेकर चलते हैं जहाँ कुआं है, जहाँ से पानी लाने के लिए जो छोटा भाई गया था। चलिए उस कुआं तक लेकर चलते हैं, यहीं बगल में है। तो देखिए दोस्तों, बिंदु बसायर से पूरब की ओर आप लोग आइएगा तो यहाँ पर देखिए कुछ ही दूर में दोइन में ये जो डाड़ी है जहाँ से पानी लेने के लिए आया था, वही उसकी निशानी यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए आप लोगों को सामने से दिखाते हैं। ये एक छोटा सा कुआं है जिसे हम लोग डाड़ी बोलते हैं, छोटा सा इसलिए, और ये तालाब है छोटा सा। तो यह इसकी निशानी है बिंदु बसायर की, जो यहाँ पर घटना घटा था, कहानी यहाँ पर हुई थी। तो देखिए सामने से एक बार देखिए, ये कुआं है, वही कुआं जहाँ से पानी ले गया था और हमेशा यहाँ पर पानी रहता है, और जहाँ से मछली पकड़ के ले गया था, मछली और केकड़ा, तो यही वो तालाब है, यहीं से पकड़ कर ले गया था।
तो ये सब निशाने अभी सच्चाई है और इसे बचा कर रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर भी पूजा किया गया है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे सिंदूर दिखाई देंगे और ये धागा भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों देखिए हम लोग पूरब साइड आए हैं और ये है वो कुआं, और बिंदु बसायर दिखाएं तो वो जो दिखाई दे रहा है बिंदु बसायर, उससे जस्ट पूरब साइड आइएगा तो यहाँ पर ये डांडी है, जिसे डांडी बोला है, छोटा सा है इसीलिए, और यही वो तालाब है, ये तालाब भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, जितना भी जानकारी था सभी को कवर करने की कोशिश किए और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। और जो आज का जो ब्लॉग बना उसमें जो सबसे अहम भूमिका निभाए और जो वीडियो रिकॉर्ड करके दिए वो जितेंद्र जी हैं। तो जितेंद्र जी आज का कैमरा किए हैं, हम लोग दोनों आए थे लेकिन आप लोग को दिखा नहीं पाए। तो गाइस जाते जाते आप लोग को कहना चाहेंगे कि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ऑल पर क्लिक करके, ताकि जब भी इस तरह के ब्लॉग डालें, वीडियो डालें, तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो जाते जाते मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं फिर से कि ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐस मौज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।